सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। सो जिसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी, एंड इसके जो एक्स एंगल है और वाई एंगल है, इसका रेशियो दे रखा है हमारा, एक्स एंगल और वाई एंगल का रेशियो दे रखा है 1:2। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना है टेन एक्स। तो टेन एक्स हमें फाइंड करना है इसमें, तो टेन एक्स क्या होगा इसमें? तो सबसे पहले हमें ये एंगल्स फाइंड करने होंगे, एक्स और वाई। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन में रेशियो गिवन होता है तो आपको क्या करना है, उनको ऐसे लेट कर लेना, जैसे कि लेट एंगल एक्स कॉमा एंगल वाई बी। इसको मान लेंगे हम, कुछ भी मान सकते हैं वैल्यू, जैसे कि इसे मान लेंगे हम ए, और जो दूसरा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2a। ठीक है, कुछ ऐसे मानना है हमको। तो अगर ये ए है, ये 2a है, तो सम ऑफ एंगल क्या होगा ट्रायंगल का? ए प्लस 2a प्लस, और ये तीसरा वाला हमारा बी एंगल है जो 90 डिग्री का है, 90 इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो 3a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90, ए 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, एंड ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 3, एंड काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो क्योंकि हमने एक्स एंगल को ए माना था, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये दुगना होगा, 2a है, तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टेन एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो टेन एक्स फाइंड करना है, तो टेन एक्स एंगल कितना है हमारा, एक्स यानी कि एंगल ए कितना है हमारा, और हमने अभी एक्स निकाला है, तो एंगल एक्स कितना हो गया हमारा, एंगल एक्स हो गया हमारा 30 जो ए था, और एंगल वाई है हमारा 60। तो हमें टेन एक्स निकालना है, तो टेन एक्स यानी कि 10 30, और 10 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। तो 10 30 की 1/√3 होती है, 1/√3 ए ऑप्शन है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। होप यू लाइक इट। एंड सो कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको कभी भी जिन रेशियो में दे रखा है उन्हीं रेशियो में हमें इसे लेट कर लेगा करना होगा, जैसे कि 1 है तो यानी कि एक्स, और दूसरा 2 है तो यानी कि 2x। अगर एक और रेशियो दे रखा होता कि तीनों एंगल का रेशियो 3, तो ये हो जाता है 3x। ठीक है, तीसरा एंगल, तो उसके तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस आपने 8th क्लास में भी सॉल्व करे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। सो या दैट्स इट, आई होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।